Narendra Kumar Kashyap. Thank you, sir. आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया. परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में प्रावधान किया और आज हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन याद आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा था कि संविधान और कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उस संविधान और कानून को लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तब तक उस संविधान और कानून का लाभ देश की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा. महोदय, 69 वर्षों की आजादी के अंतराल में जब हम भारतवर्ष के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास और उन्नति पर विचार करते हैं तो नतीजों से स्थिति भयावह पैदा हो जाती है. और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप में आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी और उम्मीद की थी कि देश का ये दलित वंचित शोषित समाज रिजर्वेशन के आधार पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा. वर्तमान सरकार में महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय के अभिभाषण में इस बात की चर्चा की गई है कि सरकार इस बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती संविधान दिवस के रूप में मनाएगी. आप डॉक्टर अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, मनाइए, लेकिन उस संविधान का जो मूल तत्व है, जो मूल आधार है, उस पर सरकार का क्या नजरिया होना चाहिए, कम से कम इसको भी तो स्पष्ट करिए. महोदय, आज भारत का दलित और भारत का आदिवासी भयभीत है, आतंकित है, उसमें असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है. बाद में टॉपिक है मेरे पास. असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है. किस बात की असुरक्षा? एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है, उसको असुरक्षा है. एम्प्लॉयमेंट में बराबर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसकी भी असुरक्षा है. और सबसे बड़ी असुरक्षा है महोदय कि आज उनके साथ कातलाना हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है. पिछले सप्ताह में लगातार यह मुद्दा उठा. हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत वेदनाओं के साथ, बहुत तकलीफ के साथ सदन के समक्ष हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र रोहित की आत्महत्या का मामला उठाया. क्या मांग की थी हमारी नेता ने? केवल छोटी सी मांग. उन्होंने कहा था कि इस न्यायिक जांच आयोग में एक अनुसूचित जाति का सदस्य भी शामिल कर लो, सबका साथ सबका विकास. नारा सुनने में कहने में बहुत अच्छा लगता है. सत्ताधारी पार्टी के लोग ये नारा लगा के अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, थपथपा लो. जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति न्यायिक आयोग में सदस्य बनाने की मांग उठती है तो सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती,
उत्तर नहीं दिया गया। सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई महोदय। कैसे देश कैसे करेगा भरोसा? सबका साथ सबके विकास के नारे पर महोदय देश कैसे भरोसा करेगा? 15.5% शेड्यूल कास्ट भारतवर्ष में है, उन पे अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार उनके नुमाइंदों को उन जांच एजेंसी में शामिल करने के लिए आज तक तैयार नहीं है। ये घटना एक नहीं है महोदय, 6 व्यक्तियों को हैदराबाद की घटना में नाम दर्ज किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, 40 दिन का समय गुजरा है, एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ महोदय। कैसे होगी दलितों की सुरक्षा? कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? आज भी हमें कष्ट के साथ कहना पड़ता पंजाब के अबोर में जो कुछ हुआ महोदय, अबोर पंजाब के अंदर एक दलित को हाथ पैर काट के उसकी हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है? सरकार के पास इन गंभीर घटनाओं पर नोटिस लेने का समय नहीं है? सरकार की तरफ से लंबे लंबे बयान आते हैं, लंबी लंबी बातें होती हैं कि हां हम इस वर्गों की सुरक्षा करेंगे, हम सेफ्टी की बात करेंगे। और महोदय मेरे पास भारतवर्ष में अनुसूचित जाति के लोगों पर अपराधी घटनाओं के सारे आंकड़े मैं आपके बीच में रख सकता हूं और सदन और देश इस बात को समझ जाएगा कि आखिर 69 वर्षों की आजादी में आज भी दलित और आदिवासी भारत के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महोदय रिजर्वेशन किसी एक सियासी पार्टी का दिया हुआ यह अधिकार नहीं है। अगर भारत के संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का अधिकार मिला है तो इसका एकमात्र श्रेय परम पूज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जाता है, उन्होंने दिया था यह अधिकार, इसका पालन नहीं हो रहा है, इस अधिकार की पूर्ति नहीं हो रही है। बहुत सारे विभाग, केंद्रीय विभाग बहुत सारे ऐसे हैं जहां आज भी कोटा पूरा नहीं है। वर्तमान सरकार ने बहुत सारे विभागों को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात की है, आरक्षण की व्यवस्था को रिव्यू करने की बात की है, कभी संविधान की समीक्षा का मामला उठता है। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाना चाहते हैं तो फिर संविधान की समीक्षा किस लिए कर रहे हैं? फिर आरक्षण की समीक्षा क्यों करते हैं? फिर आरएसएस के लोग इस आरक्षण की व्यवस्था पर सवाल क्यों उठाते हैं? दोहरा चरित्र और दोहरी बात, शायद अब देश इस पर बहुत भरोसा ना करे, इसलिए इन मुद्दों पर भी, इसलिए इन बातों पर भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ ना कुछ अंकित होना चाहिए था। उपसभापति महोदय, तत्कालीन सरकार में भी और वर्तमान सरकार में भी हमारी पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों के प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। तत्कालीन सरकार में राज्यसभा में वो बिल पास हुआ, संविधान संशोधन का मामला था, लोकसभा में जाके अटक गया। एनडीए की सरकार बनने के बाद भी अनेकों बार हमारी पार्टी की ओर से यह मांग उठी कि भारतवर्ष के अंदर करोड़ों दलित समाज के ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं,
जिनको प्रमोशन में रिजर्वेशन का हक मिलना चाहिए, अगर ये सरकार सबका साथ सबका विकास देने का वादा देती है तो लोकसभा में संविधान संशोधन करा के प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का कानून बनाने में ऐतराज क्या है? महोदय, ये सारी चीजें, ये सारी बातें ऐसी हैं जो अभी भी सरकार और सरकार के कार्यों पर सवालिया निशान लगा रही हैं। हमें भी मौका मिला, उत्तर प्रदेश में हमारे नेता को मौका मिला चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का, और हमें इस बात का गौरव है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने चार साल के शासनकाल में अनुसूचित जाति की बात हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, ओबीसी और माइनॉरिटीज की बात हो, और यहां तक के सामान्य जाति के जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण देने में गुरेज नहीं किया, उनको भी विकास की गति में आगे बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं किया। तो आदरणीय मोदी साहब की सरकार को गुरेज क्यों है? क्यों नहीं इनके विकास की बात करते? क्यों नहीं इनके आरक्षण की बात करते? क्यों नहीं प्रमोशन में रिजर्वेशन का कानून पास करते? उपसभापति महोदय जी, एक सच्चाई आपके माध्यम से संसद और देश के सामने और लाना चाहता हूं। 1953 में काका कालेर का आयोग बना था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रोविजन किया था कि जो लोग आर्थिक और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और पिछड़े समाज की सूची बनाकर उनको भी आरक्षण देने का लाभ सरकारें दे सकेंगी। 1953 में काका कालेर का आयोग बना, 1955 में रिपोर्ट आई लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1978 में बीपी मंडल कमीशन बना, 1969 में रिपोर्ट सबमिट की और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतवर्ष के 52% पिछड़ी जाति के लोगों में से 27% रिजर्वेशन भारत के तमाम सूबों में मिलना चाहिए। उपसभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1993 का है, 27% रिजर्वेशन देने के संबंध में आज देश के सामने यह सच्चाई आ जाएगी कि सरकार चाहे तत्कालीन रही हो या मौजूदा सरकार, और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार की तरफ से जब जवाब आए तो मेहरबानी करके इस पर जवाब दीजिएगा। उपसभापति महोदय, जो आज देश के सामने स्थिति स्पष्ट हो रही है उसके संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे देश में 6 प्रांत ऐसे हैं, 6 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों के लिए सूचीबद्ध ही नहीं किया गया है। हु इज बैकवर्ड? पिछड़ी जाति क्या होती है? पिछड़ी जाति में कौन होगा? 6 प्रांत ऐसे हैं, उसमें मेघालय भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, मिजोरम त्रिपुरा शामिल है, लक्षद्वीप नागालैंड शामिल है। उपसभापति महोदय, 6 प्रांतों में आज तक 27% ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए जातियों को चिन्हित नहीं किया गया। 23 साल गुजर गए, 6 प्रांतों में ओबीसी की सूची नहीं बनी है। जब देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी होने का अपना एक प्रमाण देश की जनता के सामने रखा था। उपसभापति महोदय, मैं उन्हीं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो 6 प्रांत के लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी आज आरक्षण से वंचित हैं, दो उनको आरक्षण। सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा जब आप देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करें। और इतना ही नहीं महोदय, हमारे देश में 13 प्रदेश 13 प्रांत ऐसे हैं कि जिन 13 प्रांतों में 27% रिजर्वेशन से कम रिजर्वेशन मिलता है, 27% पूरा नहीं होता है, कहीं पे 2% मिल रहा है, कहीं पे 5 मिल रहा है, कहीं पे 14 मिल रहा है,
मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैंने यह मामला प्रश्न के माध्यम से भी पूछा था कि भारतवर्ष की आधी से अधिक आबादी रखने वाला ये 52% समाज आज बहुत दुखी है, आज वंचित है। वीपी मंडल कमीशन ने तय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर देश और प्रांतों की सरकार को क्या कठिनाई है इनको 27% रिजर्वेशन देने में। इसलिए उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 52% पिछड़े वर्गों के 27% रिजर्वेशन को देने का कोई सख्त फैसला सरकार लेती है तो शायद भारत की आधी से ज्यादा आबादी को राहत मिल जाएगी। महोदय, केवल ये विषय एक सीमा तक ही सीमित नहीं है, इससे आगे भी मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय भारतवर्ष